हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को नमस्ते और ताशिटी है। तो गाइस, आज मैं वैसे नॉर्मली खाना बना रहा हूँ जैसे रोज बनाता हूँ घर पे। तो मैंने चावल तो बैठा दिया है, और रही बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला था। मैं दोबारा मैं गोलगप्पे को प्रैंक करने वाला हूँ कि मैं घर नहीं जाने वाला, तो उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं बाद में। फिलहाल मैं आप लोगों से अभी नॉर्मली बात करता हूँ, देखते हैं आज प्रैंक करके उसके पास। और मैंने आज बाल पे कलर किया है, पता नहीं कैसा दिख रहा, देखते हैं आज उसको प्रैंक करके क्या होता है, मतलब उसका रिएक्शन देखते हैं। तो अभी फिलहाल वो वैसे वहाँ गई है, पार्लर गई हुई है, पार्लर से आने वाली, उसका होने वाला है पार्लर से काम ख़त्म, तो वो आई है अभी। तो उसको पहले तो मैं नॉर्मली उससे बात करूँगा, बात करते करते मैं उसको ये बोलूँगा कि मैं घर जाने नहीं वाला हूँ, तो उसका रिएक्शन देखते हैं क्या आएगा रिएक्शन। अभी फिलहाल मैं पालक पनीर और पालक पनीर पालक का सब्ज़ी और चावल बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी प्रैंक वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगे। पहले देखते हुए सब्सक्राइब कर दे क्या हो। और फ्रिज भेज दिया ना, सब्जी वगैरह भी खराब हो रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल अभी आप लोग बने रहो, वो आने के बाद वैसे मैं खाना बना लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा, वो आने के बाद देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोग बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। तो गाइस फाइनली वहाँ आ चुकी है और मेरा हो चुका है कटिंग वेटिंग, देख लो पाला भी कर दी। और मैं धंधे जा रहा हूँ तेल वगैरह, अब तक किसको पता है, बताऊँगा सर आप लोग फिलहाल बने रहो, मिलूंगा थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। मेरा ब्लॉग वैसे प्रैंक है, फिर भी कुछ नहीं तो नहीं देगा, तो वो दूर है। अभी मैंने फिलहाल ब्लॉग को लंबा रखने के लिए मैंने थोड़ा काम करते हुए दिखा रहा हूँ, मुझे अभी काम करते हुए नहीं दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा ना। इसके भाई ना अब करता हूँ, तो आप लोग बने रहो, उनके अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ खाना बना के पूरा कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस मैडम आ चुकी है, देख लो मैंने पहले भी बोला था कि मैडम आ चुकी है, और मैडम ने अपना नेल बनाया है, देख लो देख लो। तो मैंने जो आपको पहले बोला था कि मैडम अभी आएगी तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो गाइस बात यह है कि फ़िलहाल कोई नहीं, अभी तो आप लोग फिलहाल रुको, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं एक बात बताना, मैं इसको एक बात बताना था, मैंने आप लोगों को भी बोला था इसको बताऊँगा मुझे क्या है वो, अभी बताता हूँ रुको, पहले सब्जी वगैरह फिर बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है जो मैं इससे बताना चाह रहा था। पता नहीं इसका रिएक्शन कैसा होगा, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के सामने इसको कुछ बोलूँगा तो ये पहले से ही एक्साइटेड हो रही है कि क्या हो सकता है, इसने मेरे को पूछा था, मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ ही बोलूँगा। तो पहले थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ इसको लेके नीचे, फिर उसके बाद पालक का सब्जी और ये मेरा चावल, तो करूंगा अभी खाना डाल के दूंगा फिर खाएगी। तो मेरा कैमरा हो गया है सेट, ओ सॉरी इसका चैनल, कोई ना वो अभी तो सेटिंग करना बाकी है।
आप लोग बोलो भाई, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ इसको बोलने के लिए। ऐसा क्या बोलने वाला है, बोलो तो, नर्वस होने के पता नहीं, आज पहली बार ही ऐसा कर रहे हैं। पहली बार है। और हाँ, जो इसका रिएक्शन है वो सच है, प्लीज़ आप लोग वो मत सोचना कि प्लान है। बोलो, मैं ये बोलना चाह रहा था, इधर देखो ना कैसा है यार। तो बोलो ना पहले, मैं दिमाग खराब हो रहा है, तो क्या बोलना चाह रहा है बोलो। मैंने पहले भी मैं मतलब वो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो बोलो ना। पॉजिटिव ही है पर नेगेटिव में ये है, गुड वाला है, मतलब अच्छा है, इसको अच्छा चीज है। तो बोलो ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इस 25 को मैं घर जाने वाला था ना, और तूने बोला था 20-25 को घर जाएगा क्या, और मैंने सोचा कि मैं घर ना जाऊँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ काम देखे। तुम तो जाने के लिए इतना एक्साइटेड थे। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ अभी ले जाऊँ। हुआ क्या? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही कैसे माइंड चेंज हो गया तेरा? हाँ, जाने का मन नहीं, इसलिए बोल। हाँ मैंने भी बहुत सोचा यार कि वहाँ जाके मैं क्या लूँ क्या। तू तो बोला पापा बीमार है, जाना है, मेरे को जाना है, यहाँ नहीं रहूँगा मैं, वहीं रहूँगा, तेरी जिद थी। मैंने थोड़ी बोला था तुझे जाओ, तू ही जाना चाह रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, जाना तो मैं चाह रहा था ना, पर अपने को जाना नहीं है ना। मैं ये बोला क्यों, खुश नहीं हो मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो? अरे खुश नहीं हो की बात नहीं है, ऐसा होता तो पहले बोलता ना, ये मेरे को सब करना नहीं पड़ता ना। तू जाएगा बोला इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा था ना, फिर तू सोचना चाहिए ना। जाएगा बोला इसलिए तो ये सब कर रहा ना मैंने, नहीं जाता मैं इंतजार तो करता। गुस्सा होने की बात नहीं, पहले जाएगा बोला, इतना एक्साइटिंग हो रहा था तेरे, पहले निकलूँ मैं यहाँ से, पहले ही जाऊँ मैं यहाँ से, तेरे को बहुत जिद थी। कोई नहीं ना, मैंने फ्रिज भी बेच दिया, ये जाएगा बोल के इतना वजन कहाँ उठा उठा के ले जाते थे, ये फ्रिज की वजह से इतना दिक्कत हो गया हमें, ये बेचा तो बेचा 5.5 में, खर्चा इतना हो गया उसके ऊपर, कुछ मिला नहीं। अब कब तक ये लोग हमें सुनाएंगे पता नहीं। मैंने बोल दिया वैसे उन लोगों कि अभी जो बनाने वाला है उसने अपना गैरेज, मेरा पूरा कपड़ा फेंक दिया मैंने, कहाँ वजन अपने घर ले जाऊँ, यहाँ अकेला कैसे संभालूँ समझ के, 4 जोड़ी कपड़े रखे बस मेरे पास। पहले पूरा प्लान करता है तो और बोलते हैं नहीं जाऊँगा, क्या हुआ क्या, कुछ हुई है घर में बात? सोचा था ना यार तुम अकेले रहोगे फिर दिल्ली में, तो ये तो पहले सोचा नहीं था अकेली रहूंगी, तुम्हें पता ही है, अब तू जाएगा तो मैं अकेले रहूंगा, और कौन रहेगा मेरे साथ? आर्थिक वगैरह से दोस्ती टूट गया तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती टूट जाए तो भी क्या हो गया, हम तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सोचा था कि बैठ जाऊँ तुम्हारे साथ, फिर बीच में तुम और मैं जाऊँगा चला जाऊँगा बोला, तो फिर मैं क्या करूँगा? अच्छे से सोच लो पहले। अच्छे से सोच लिया यार, क्योंकि मेरा तो सीधा है, इसका देखो तो इसके चेहरे में तो थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ बोल के, क्योंकि मेरा तो ये है ना सीधा, अरे तू सोचना तू नहीं बैठेगा बोल के मैंने दूसरा घर शिफ्ट करा, और मैं क्या नहीं करा ये तो तू जानता है। हाँ तो फिर ये सब नहीं करना पड़ता ना, तू नहीं जाता तो मेरे को तो मार देती फिर तुम। कहाँ? वहाँ पे कुछ दिन तो रह लेते ना, ये करने का जरूरत नहीं पड़ता ना मेरे को। फिर पता है ना हाथ कितना टाइट था हमारा उस टाइम पे, वही तो मुझे कुछ नहीं है, तेरा सोच लेना, बाद में और जाऊंगा बोला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पहले कुछ बचा भी नहीं है मेरे पास। बचा नहीं होता कुछ भी बेचने के लिए, बचा नहीं है। तो किसने बोला बेचने के लिए, मैं काम करूँगा ना, काम एमटी में ढूंढूंगा ना, मिल जाएगा एमटी में काम। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू रहेगा तो मेरे को अच्छा ही है, मैं वो नहीं सोच रहा फिर? मैं वो नहीं बोल रहा कुछ भी,
मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तुमने पहले बोला जाऊंगा, इसलिए तो इतना सामान पूरा जो नहीं चाहिए वो बेचा। इतना वजन मैं अकेला कितना ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। पूरा कपड़ा फेंक दिया मैंने, कुछ भी नहीं है, चार जो भी कपड़ा रखा है मैंने। बात सही है, तुझे सोच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू रहेगा तो। मैं खुद यहाँ से घर शिफ्ट होने वाला था, फिर मेरी मम्मा ने बोला 12 महीने तू यहाँ आके क्या करेगी, वहाँ तो कुछ है नहीं करने के लिए, दिल्ली रहेगी तो ब्लॉग बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं जा सकेगी। अकेली स्ट्रगल करना समझ आता है, घर अपना सर पे बोझ रहेगा ना तब समझ आता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या नहीं किया हुआ है कि नहीं। मेरी माँ के ऊपर जाके मैं फिर वहीं बोझ बन जाऊँ, हाँ ब्लॉग बनाने के लिए जाऊँ फिर रात को आके फिर माँ के ऊपर बोझ बन जाऊँ, ये तकलीफ समझ नहीं आता ना हम लोगों को। तो इसलिए मम्मा ने बोला वहीं कहीं रह ले, घर ले के पागल लेके तू वापस आके 12 महीने यहाँ क्या करेगी। मैं तो मेरी माँ का सुन के मैं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ मेरी माँ के लिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ भी सही है ना। अभी दो लोग हैं, बड़ी दीदी और मम्मा दोनों हैं वहाँ पे, वो लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई फालतू नहीं बैठा है। माँ भी लविंग बना के कमाती है, मम्मा सब दीदी भी मदद करती है, पूरा घर गिर सब दीदी संभालती है। मैं जाऊँगा और एक इंसान का उनके ऊपर बोझ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कसम से अपने घर में एक बर्तन तक नहीं धोता हूँ। चलो गाइस, बस आप लोगों को और इसका और एक बात बता दूँ, सच बात कि मैंने किस लिए ये बात बताई थी इसको। मेन बात ये है कि ये प्रैंक था कि मैं गांव जाना चाहता मैं गांव नहीं जाऊंगा बोल के ये प्रैंक था बोला तुम्हारे साथ तुम्हारे चेहरे पे एक्साइटेड देखना चाहता था। क्यों नहीं मजा आएगा, देखने वाले का मजा आएगा। सेंटीमेंट बहुत डाल दिया यार इसने, मैंने क्या सोचा था पर प्लान क्या हो गया। मैं सोचा इसके चेहरे पे आएगा, मैं गांव नहीं जाऊंगा तो इसके चेहरे पे थोड़ा आएगा खुशी। आएगा खुशी कहाँ से आएगा, इतना पूरा सैक्रिफाइस करने के बाद खुशी कहाँ से दिखेगा तुझे। ओ, मेरा प्लान हो गया चॉकलेट। चलो गाइस देखते हैं आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, पर मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं प्रैंक करने वाला हूँ विदाउट बता के किया, इसलिए इसने अपना सेंटी मोमेंट डाल दिया इसमें। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा प्लान प्रैंक करने का वो फ्लॉप हो गया। चलो थोड़ा ये प्रैंक सही नहीं था। अच्छा ना, ऐसा कोई प्रैंक करते हैं इसका अच्छा नहीं लगा मुझे, सॉरी है लाल किला। अच्छा हुआ पिछली बार की तरह बाल वाली नहीं है उसमें। अच्छा हुआ इसने पिछली बार की तरह बाल वाली नहीं है। चलो गाइस इसका दुख दर्द आप लोग समझो, मेरा भी दुख दर्द समझो, और प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कर दो मेरे वीडियो को, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज़, जितना हो सके हम दोनों का दर्द देख के। एक्चुअली सच में मजाक नहीं है, बस मैं जब प्रैंक किया था वो फ्लॉप हो गया, उल्टा पड़ गया मेरे को, पर कोई ना गाइस आप लोग बने रहो, मिलेंगे कल आपसे दोबारा। तब तक के लिए आप लोग के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। अब मैडम के लिए खाना वाना देना है, सुबह से हम दोनों ने खाया कुछ नहीं है, ओके खाएंगे थोड़ी देर में, और आप लोगों को खाना दिखाया नहीं, खाना दिखाऊंगा। नहीं बोल दो।